الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون जो हिदायत सीधा रास्ता नहीं चाहता बल्पा से दीगर सुधरना जो नहीं चाहता हकीकत को जानना जो नहीं सब नहीं इरादा करता तो उसके पास हकायक को हक की दलील के साथ भी पेश कर दिया जाए हकायक बता दिए जाएं तो भी उसमें किसी न किसी किस्म का शक व शुबा हुज्जत और बहस झगड़ा व जिदाल करते हुए न सिर्फ इनकार करता है बल्कि इनकार करने के लिए अपनी तरफ से किसी न कोई चीज़ कहकर इल्ज़ाम भी लगा देता है। कमोबेश दुनिया की हर चीज़ के अंदर ऐसा ही है। ये रही बातें अल्लाह ताला के कलाम पाक की। अल्लाह ताला कलाम पाक अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का मंशा है, सारे कायनात का खालिक और मालिक, उसको बाकी रखने वाला, बाकी रखने वाले, बाकी रखे जाने वाली चीज़ों में से इंसान का इंतखाब कर कर के तू अपने खालिक को, पैदा करने वाले को पहचान, तुझे रिज़्क़ देने वाले को पहचान, तुझे हयात जिंदा रखने वाले को पहचान, जिकना जिंदा रखने के तौर तरीक़े जो फराहम किए हैं उसको जान और पहचान, फिर तुझे मारने वाला कौन है उसको जान पहचान। ये है ज़िंदगी जो हमेशा के लिए किसी को नहीं दिया, हर एक को एक एक मुद्दत दिया, किसी को 40, 50, 60, 70, 80, आगे पीछे 100 से ज़ायद हुआ करती है आज भी, उमूमी तौर पर नहीं वगैरह। जबकि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर खिलकत के अतबार से तबीयत में, फितरत में, बनावट में इंसान के लिए ऐसे आलात, अजबाब, देखने के, सूंघने के, कहने के, छूकर मालूम करने के, सुनकर जानने के, और फिर तमाम की तमाम चीज़ें एक जगह उसको पहुंचाती हैं दिल तक, फिर दिल से दिमाग तक। दिल का दिमाग से, दिमाग का दिल से गहरा रिश्ता है। फिर उसके बावजूद भी इंसान अपने अकल को सही तौर पर इस्तेमाल न करने पर अल्लाह ताला अपने मुकद्दस कलाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को भेजते रहे, और अल्लाह ताला का कलाम और मकसद, जैसा कि कलाम पाक आपके नबूवत के ऐलान के बाद 40 साल की उम्र को पहुंचने पर आपको अल्लाह ताला ने आपकी नबूवत का ऐलान करवाया, तेवीस साल तक उसके बाद खमरी एतबार से, शमसी एतबार से नहीं, और तमाम मुकद्दस किताबों के मुकाबले में इसका तरीक़ा अलग इख्तियार किए। इससे पहले जितने जुमला 104 किताबें आसमानी इस किताब को मिलाकर, तो है उससे पहले जुमला 103 किताबें हजम में यानी थिकनेस में छोटी थी, बड़ी थी वो अलग बात है। तो 103 मुकद्दस किताबें
अल्लाह ताला ने अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा दिया, जो तरीक़े थे खादिर मुतलक के, उसके लिए कुछ भी करना दुश्वार नहीं, वो अज़ीज़ुल हकीम है। मुकम्मल कंप्लीट सेट पूरी किताब भेज दिया। तौरात को सारी कौम को इत्तला देकर पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाकर फिर वो अहलियत इस्तेदाद और सलाहियत पैदा करने के लिए मुकम्मल 30 रोज़े रखने का हुक्म दिया। जो रोज़ा हमारी उम्मत के लिए जो भी सौकत है उससे अलग था, अलग ये था सूरज के डूबने के बाद इफ्तार खाने करने की इजाज़त, सोने से पहले तक इजाज़त खाने पीने की, जो इसके बाद लेट गए रोज़ा की इब्तिदा तो किसी के लिए 20 घंटे का होता था, 22 घंटे का होता था, 23 घंटे का होता था। इंसानों की अक्सरियत 99% बल्कि अबव 99% मेहनत मजदूरी जद्दोजहद करना है ज़िंदगी के लिए। अब आजकल शहरी ज़िंदगी के लोगों का तौर तरीक़े अलग है, वो कहेंगे कि हम पूरी रात जागने में लगा देंगे, बकवास में तो लगाते शायद। पूरे एक महीने के मुकम्मल रोज़े रखा और उसका तस्करा बार बार इस कलाम पाक में कर कर इस कौम के लिए कहा, देखो इस्लाम की अहलियत इस्तेदाद और सलाहियत तुम्हारे लिए नमाज की पाबंदी और कसरत नमाज फराइज के अलावा और रोज़े रमज़ान के रोज़ों के अलावा ये दो आदतें बढ़ाते चलो तो इस्लाम के ज़ाहरी तरीक़े सिर्फ बातें उससे हटकर उसके अंदर जो रूहानी कैफियत है, ईमान की हलावत है, वो इस्तेदाद तुम्हारे अंदर बढ़ते चलेगी, तुम्हारा रब बढ़ाते चलेगा। यही बात सब सुनते हैं, सब ज़बान पे लौटाते हैं, जब वही बात तुम्हारे बात में आएंगी, तुम्हारे समझ में आएंगी, तो फिर क्या दिखता है, क्या समझ में आता है। देखो एक गुमनाम शख्सियत, अब काफ़ी उम्र रसीदा है, आज भी हैदराबाद मौजूद है, अवामी शख्सियत नहीं, अवामी शख्सियत नहीं, शोहरत के तालिब नहीं, मिलना चाहती नहीं, बुजुर्गी में नामो नमूद नामो नशान रखने वाले तक जान में अदब तय करते हैं, क्या मिलता क्या पाते हैं अल्लाह वाला। उनका एक मुलाकात थी, यानी इस्तेदाद जो पैदा होती है तो क्या समझ में आता है। एक कम्युनिस्ट उनका एक साथी, हमेशा इस सिलसिले में बहस 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 बहस, बल्कि वजूद बारी ताला का ही इनकार, बेतकल्लुफ, ये उनके पास जाते इनके पास आते, और जो इस्तेदाद हुई समझ हुई सालों सालों के बाद, मौसम गर्मा है अब वो भी तन्हा मुजर्रद शख्स ज़िंदगी गुजार रहा है, वो जो कम्युनिस्ट था इसको समझाते ये समझ नहीं पाता, वैसे एक ही मज़मून पे चलती, हक़ायक़ व मारिफ़त खुदाबंदी के ऊपर। मुसलमान के लिए भी असल में यही है, 5,500 से ज़ायद आते हैं, यही अकीदा यही जहन यही फ़िक्र को मज़बूत कराने के लिए हैं, ये नमाज रोज़ा वगैरह जो साबित करना है इस्लामी को, वो सिर्फ 500 आयतों से अंदर है, उससे पूरे दिन के तरीक़े इस्लामी ये कहते ये कहते ये कहते ये कहते ये कहते इस 6,000 से ज़्यादा आयतों में
सिर्फ 500 आयतों के परे हो, 5,500 आयतें क्या हैं जिसकी तरफ हम दिल लगाना नहीं चाहते, जिसके लिए वक्त लगाना नहीं चाहते, जिसकी वजात और तफसील नहीं चाहते। अलगरस सख्त मौसम गर्मा में इनकी बेतकल्लुफ आवक जावक थी उनके पास, एक मरतबा जब पहुंचे उसके मकान या रूम जो भी था, वो उस वक़्त गर्मा की प्यास की तपिश से बचने के लिए लीमू लेकर गिलास में पानी में लीमू ऐसा निचोड़ रहा था। जब ये दाखिल हुए और पूरी तरह निचोड़ के अब ये छिलका फेंकने वाला था, बात छोटी है समझ में नहीं आएगी, उसको क्या समझ में आया। तो ये बातें दीन के शबोरोज तकरीरें होते हैं, सब होते हैं, फिर भी वह हकायक वो कैफियत पैदा होती क्यों नहीं है। वही इस्तेदाद के लिए अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम इस्तेदाद पैदा कर कर कलाम इलाही अल्लाह ताला ने अता किया जो सब समझ में आता। जो वो लीमू का रस निचोड़ कर फेंकना चाह रहा था, उन्होंने कहा रुक जाइए मत फेंको, बस इतना सवाल किया आपके हाथ में क्या है। लीमू निचोड़ने के बाद ये छिलका है जो फेंक दे रहा, अब ये काम कर नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, जो हाथ में है वो बातिल है, जो गिलास में हाथ में रखे हैं वो हक है, बस इतनी बात बोले, हमारे दिमाग में घुसने वाली नहीं, इससे ज़्यादा बढ़ने बाद घुसेगी। हर चीज़ के अंदर वो चीज़ कमाल है, बस इन्होंने इतना ही कहा, जो तुम हाथ में हो जो छिलका कह रहे हो फेंकने का नहीं, ये बातिल है और वो हक है। सब्जेक्ट मौजू तो उसी के ऊपर चल रहा है सालों से बरसों से, वो इंकार के लिए उतना इसरार के साथ शिद्दत के साथ इंकार पर जो ही दिमाग में बात होती तो क्या कहा, न सिर्फ कहा, उसका कहना जिंदगी की आखिरी सांस बनी। 4-5 मिनट के अंदर रूह भी परवास हो गई, बीमार नहीं था, बूढ़ा नहीं था। ये कहते हुए मैंने लगा हक हक आप गवाह रहना, देखो उनका नाम नहीं जिक्र कर रहा, आप गवाह रहना, हक नजर आए, हक 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 हक, वो क्या हक 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 हक, अब मुझे हक नजर आ गया। गवाह रहना मैंने हक को मान लिया, हक को तस्लीम कर, यानी हक ताला। इसी सिलसिले में अब्दुल वाहिद बुजुर्ग कबीर, उनसे सदर का सवाल हुआ तो उन्होंने कहा लोग बना के पूछा तो कुछ देर ठहर जाओ अभी बताए देता हूँ, आएगा अल्लाह का बंदा। एक गुलाम था वो आया, मजमा बैठा हुआ था लोगों के सामने, लोगों को समझाने के लिए बताए कहाँ से आ रहा है, गुनाह से, क्या पाया तू रास्ते में, क्या हुआ, मैं कुछ भी नहीं, सारे रास्ते में देखा बाजार ही बाजार है, लोगों की हुजूम है, आवक है जावक है, इसमें उसमें है, ये सब था, मुझे कुछ न पाया नहीं, सारी चीज़ों के अंदर जमाल रब को पाया। हम भी देखते हैं ये इंसान है, ये गिड्डा है, ये काला है, ये दुबला है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ज़्यादा होशियार है, ये चालू है, ये बेवकूफ़ है, ये हौला है, ये हसीना है, ये बदसूरत है, ये बूढ़ी है, ये जवान है, हमारी शनाख्त इसके अंदर है। और कुदरत अपनी पहचान इन तमाम चीज़ों में पेश करता है। एक बात जो बता रहे हैं अल्लाह ताला,
सूरह बकरा में थोड़ी सी बात बता दिए, मा ननसख मिन आयतिन और नुनसिहा नाती बिखैर मिनहा और मिसलिहा, उसी की वजाहत यहाँ भी है और ये वजाहत कई जगह है। मसला इस कलाम पाक की हकीकत को जानने समझने का है, इसलिए उसकी बार बार वजाहत करते पड़ते हैं। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को पूरे 30 दिन रोजे रखा कि आत्मनहा बिआशर दिन, और जरा सा सब्र करने का था, अपनी तरफ से एक स्टेप ले लिए, इसलिए क्या अल्लाह की किताब कुरान मजीद मिलने वाली है, तौरात के माने कुरान मजीद, हिब्रू जबान में तौरात माने किताबुल्लाह, जबूर भी अरबी लफ्ज है किताबुल्लाह, वलकद कतबना फिस जबूर, लफ्ज जबान का फर्क है, किताबुल्लाह कुरान मजीद, जबूर भी कुरान मजीद, इंजील भी कुरान मजीद, नाम खुद है किताबुल्लाह, ये भी किताबुल्लाह अल्लाह की किताब। तो हम मुंह की सफाई कर लेने के इसमें आगे बढ़े, अल्लाह का शाह दुआ ये चीज के अता करने के लिए सब कुछ किया गया, उसके अंदर दरमियान में चीज को दाखिल कैसा करे तुम। फिर आज से 10 दिन के रोजों की और तकमील करो। वादना मुसार बैना लैला सलासीना लैला के बाद माँ भी अशर, पहले 30 फिर 10 टोटल हो गए 40। अलगरस पूरी की पूरी किताब एक साथ देते गए, पैगंबर समझा देना, किताब से बता देना, फिर बाद में पैगंबर के उम्मत से उसको देखकर समझ जाना, उसको रिफर कर लेना। पर इस किताब के लिए अल्लाह ताला ने ये किया कि ये पूरी किताब तो नाजिल किए, दुनियावी हुदूद दुनिया से करीब आसमान पर इस जमीन के ऊपर नहीं किए, ये अमल जब किए दुनियावी हुदूद में जिसको दुनियावी आसमान कहो, आसमान के माने ऊंचा हिस्सा, आपके सर से ऊपर जो भी चीजें आसमान अरबी में असल माना, आपके सर से ऊपर जो भी चीजें वो आसमान, ऊपर से ताल्लुक अब आसमानों की एक हकीकत है। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने इस कलाम पाक को चूंकि आखिरी किताब आखिरी रसूल, अल्लाह की किताबों के भेजने के सिलसिले को ख़त्म करना है, और ये वादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हर नबी के ज़रिए से करते आ रहे हैं, न सिर्फ करते आ रहे हैं इकरार लेते चल रहे हैं और उनके ईमान की वाहिद लाजमी शर्त करार दे रहे हैं। आखरर तुम के लफ्ज़ से पारे 3 के अंदर इसकी पूरी वजाहत है और दूसरी जगह भी, नबूवत देने के बाद हर नबी को क्या तुम इकरार किए ना ईमान रखते हो ना, हालांकि मिलने वाले नहीं है पैगंबर, मुलाकात होने वाली नहीं है, हर नबी से इकरार, हर नबी को जो दी जाने वाली चीज़ें कलाम पाक का जिक्र और इस सिलसिले को ख़त्म करने का तस्किरा। अब वो चीज़ हमारे पास है वो क्यों है इसके समझने में हमारे पास दुश्वारी चल रही है। या मुनकिर का इस जैसे अल्लाह के कलाम पाक, अल्लाह का कलाम पाक अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की ज़ात है, वो तरीका हटा दिए कि देख लेना नबी समझा देना, वहां पर रोक कर जब जब लोगों के दरमियान में एक मसला पेश होता है, एक ज़रूरत आती, हालात बदलते, उसके लिहाज से जो हुक्म है उस कलाम पाक में
वहाँ से वो आयत को जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म होता ला कर देते, समझा देते, और मसला जानने के लिए, ज़रूरत मसले को हल करने के लिए, हालात से निमटने के लिए, लोगों के अंदर बेचैनी भी है, इंतज़ार भी है, बेचैनी व इंतज़ार के बाद जब चीज़ मिल जाती है वाकई नेमत होती है, हक समझ में आता है, इसकी नौयत क्या समझ में आती है और क़यामत तक इस कस्म की नौयत कैसी है ये समझ में आता है। इसलिए अरबी तफासिर पढ़ेंगे आप सैकड़ों ने हज़ारों 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 की शक्ल में, उर्दू में जितना भी आया पूरा नहीं आया सखी, कुरान तो जो करते हैं, कुरान के एक लफ्ज़ में कमी नहीं, कुरान के माना में कमी नहीं, कुरान के मतलब के अंदर वजाहत के साथ, तो अंदाज़ बयान हर एक का ये आयत शरीफा के नाजिल होने के वक़्त पर यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजने के वक्त तक, उस वक़्त पर ऐसे कैफियत हुई थी, ऐसे मामलात हुए थे, ये वाक़ियात आप देखो। उस वाक़े के बाद अल्लाह ताला ने इस आयत शरीफा को नाजिल किया ताकि बैकग्राउंड अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इस सनद के साथ, बहस के साथ इस कलाम पाक को जूं का तूं बाकी रखा गया आज तक। लाने ये कहा तो क्यों कहा, क्या वजह बनी थी, वजह समझ में आई तो बात समझ में आई कि ये इसलिए कहा, वरना खाली खौर जिक्र करते ही बात समझ में आने वाली नहीं। उस वक्त की दुनिया में कुरान के नुज़ूल के वक़्त पर दुनिया के तूल अर्ज़ मगरिब से मशरिक तक दीन का नाम हर एक के पास, मजहब का ऐलान दावा हर एक के पास, खुदा का इकरार कमोबेश हर एक के पास, बुत परस्त के पास भी, यहूदी के पास भी, नसरानी के पास भी, मजूसी के पास भी, सैकड़ों 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 मजहब वालों के पास अल्लाह का इनकार किसी को नहीं। मगर अल्लाह है कसम, बच्चा बोलता है बेटा को अल्लाह कितने एक है, कहाँ है, ऊपर है, आपके बच्चे बोलते अल्लाह दो है, नहीं एक है, कहाँ है, ऊपर है, अब बताओ उसको अल्लाह क्या है, क्या चीज़ है अल्लाह बताओ, समझाओ, कुछ भी नहीं समझा सकता। बस इस किस्म का इकरार सबके पास था और रब्बुल आलमीन के तरीके से है उसमें इनकार था, उसमें तब्दीलियाँ थी, बेहुदा किस्म की रस्म व रिवाज कतई की बुनियाद पर, जो आज भी कहलाने वाले मुसलमान हैं उनकी बड़ी अक्सरियत के अंदर हर मामले में, चूँकि इस्लाम का मामला आप शादी कर रहे हैं तो दीन है, अगले महफिल के अंदर बैठ के उठ रहे हैं दीन है, उसमें बैठना खाना पीना आना जाना दीन है, और मम्मा ने जो चाहे तरीक़े इख्तियार कर लेना, अपनी मर्ज़ी को दाखिल करना, हम किसी के सुनने वाले नहीं, हम सुनने वाले नहीं। मोतखिद ने अल्लाह के बंदे ने इतना अच्छा अमल किया, इतना अच्छा अमल किया, मौलाना हमीदुद्दीन आसिफ हुसामी साहब को खैर बरकत के लिए खुतबा देने के लिए, आज बड़ा स्टेज था, फुलाता फुलाता सारे रस्म रिवाज जो तरीक़े थे सब दीनी तरीक़े दिखे, बड़ी शख्सियत को बुलाया गया था, उनसे सुनवाई भी कर दी गई, कहते हुए पूरी तारीफ करके निकले, मगर बेसब्री के अंदर जब ये जाने के लिए निकल के अभी कार में बैठे, अभी स्टार्ट भी नहीं हुई कार, और जिसके स्टेज के नीचे से निकले ना हसीनाएं निकल के आई, वो निकल के बाजे निकल करके नाचने लग गए, फिर वो पलटे पर खामोश चले गए, अल्लाह का बंदा आगे बढ़ गया। खैर क्या करना क्या नहीं करना वो नहीं कह रहा, इरादा होना है, जो खैर का
हिदायत का इरादा करता है तो अल्लाह ताला उसकी भलाई करते हुए मकूम को, तो अल्लाह ताला ने क्या क्या एक हुक्म को दिए, फिर उसके बाद इस पर धीरे धीरे लेकर आए। मगर आज मुतालबा आप करेंगे हमको भी धीरे धीरे लो, अब नहीं। क़ानून की इब्तदा नाफिज होते वक्त पर होता है, क़ानून बनने के बाद मुझे मालूम नहीं, ये उज़र काबिल कबूल नहीं। ये उज़र काबिल कबूल नहीं। तो लिहाजा एक मुद्दत तक के लिए एक चीज़ की तरबियत दी है। कई चीज़ें शराब हर्रे के मिजाज में थी, इस उम्मत से पहले तमाम शराब का इस्तेमाल आम था, आम था। मुसलमानों ने पी है, अल्लाह ताला ने बाद में मना किया, सिर्फ ये कहते फरमाया पहले बराए नाम थोड़ा सा फायदा है। वो क्या है? सुस्त रवि जो बदन में खून है, टेम्पररी वक्तिया तौर पर उसमें हरारत बढ़ा देता है, खौला देता है। उसके बाद जो हिमाकत में आते हो, तुम्हारी अकल वगैरह जाकर इंसानियत के हदूद से निकल जाते हो। बस ये कहकर नफा बिल्कुल कम है, नुकसान बहुत ज्यादा है। ये कहाँ की इंसानियत है, थोड़े से फायदे के लिए एक बड़ा भारी भरकम नुकसान उठा लेना। बात चलते बनी, उसमें शराब मत पियो का हुक्म नहीं आया। फिर एक मुद्दत के बाद नमाज और नमाज में आ गए, बड़ी शख्सियत है, आगे बढ़ के आपको बढ़ा दिए। नमाज मगरिब में सूरह काफिरून की तिलावत होने लगी, कुलिया अय्युहल काफिरून जहाँ लाए हम हटा दिए, आबुदू माताबुदून इधर का उधर होने लगी। फिर अल्लाह ताला ने क्या, देखो नमाज से बहुत पहले नशे में नहीं रहना, नमाज के बाद नशे में नहीं रहना, ये पाबंदी आयद कर दी। वला तक़रबू सलात वअंतुम सुकारा। जब ये प्रैक्टिस हो गई पूरी तरह हराम कर दी, तो अब मोतरिस ये नमूने में एक चीज कुरान जो तनाज हुआ इससे कहीं ज्यादा इतना मोटा था। अल्लाह ताला ने जब हटाए, नबी के दिमाग से भी हटाए, सहाबा की जबान से भी हटाए। अब वो तफसीलात को आपको जानने की ज़रूरत नहीं, यहाँ की सहायत से जुड़ना है हमारे को। तो मोतरिज जो नहीं मानने वाला, हुज्जत करने वाला, जो इस इरादे से सुनना ही नहीं चाहता, जब आए तो ये पूछने लगा, कहने लगा हैं आज एक बात बताते हैं फिर बात ख़त्म कर देते हैं, फिर उसके बाद दूसरी बात आई। आड़ जाने करने वाले को ही नहीं मालूम। आपकी हुकूमत भी डेड लाइन दी 15 दिसंबर तक, फलां जगह पुराने नोट दीजिए लीजिए, 5 दिन पहले 10 कुछ मन कर डालिए ना, क्या कर लिए। अदालत की सीढ़ी भी टक चढ़ने की हिम्मत नहीं करे। इत्मीनान से आपको की 5 दिन पहले फिर हुक्म को कैंसिल क्यों कर दिया गया? फलां बीसी चलते हैं, वो तो अहकमुल हाकिमीन है, हिकमत और मसलियत को जानते हैं। इनका भी ऐलान है हिकमत और मसलियत का, ये इंसानी ऐलान है। अल्लाह का ऐलान खतई ऐलान है, ला तब्दील अली कलिमातुल्लाह। फैसले खुदाबंदी में कोई भी खराबी नहीं आएगी, कभी तब्दीली नहीं आएगी। तो कभी एक बदल फिर हुक्म बदला क्यों? ये कहकर कहने लगे ये अल्लाह का कलाम है, नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह। अब जिसके जरिए से यहाँ तक हम इंसानों तक पहुँचा, यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, इन्हों कहीं से लेके घड़ लिए मनमानी कहकर अल्लाह का कलाम कह दे रहे हैं। चीज़ एक ही है,
नफरत में आगे बढ़ रहा, कोई मोहब्बत ईमान की हकीकत में आगे बढ़ रहा, इस्तेदाद पैदा करने के ऊपर है। तब बात समझ में आएगी तर्जुमा शायद का, वैसा बदलना जब जब ऐसी जरूरत पड़ी, हमने बदल दिया एक हुक्म को दूसरे हुक्म से, एक आयत को दूसरी आयत, आयत में क्या है, हुक्म है। उसी को सूरह बकरा में जिक्र कर दिया गया, मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिया नाति बिखैर मिनहा, ये बताए बताने से पहले अल्लाह वल्लाहु आलमु मा युनज़िल, अरे अल्लाह के बंदो अल्लाह खूब जानता है क्या नाजिल करना है, क्या तुमको देना है, तुमको मामूली छोटी सी जुत्ती अकल दिए उसके अंदर इतनी बड़ी बात। जब ये इतराज करते हो कहते इन्नमा अंता मुफ़त्तर, आए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये सारी चीज़ें मनघड़त झूठी गलत सलत चीज़ें घड़ ली हैं अपनी तरफ से। वही कहता है नादान है जो जाहिल है बेवकूफ़ है, बल अक्सर हूँ ला आलमों, कसरत इंसानों की यही है कि जानते नहीं आपके साथ, जानो तो बात समझ में आएगी, वरना आवाजें रहेंगे जुमले रहेंगे, हकीकत को जानो तो समझ में आएगी। खैर कोई जाने ना जो समझे ना समझे उनसे ऐलान कर देना, वजाहत कर देना, खुल नज़्ज़लहु, धीरे धीरे तरतीब इंस्टॉलमेंट के तौर पर जो नाजिल कर रहे हैं अल्लाह के तुम्हारे रब की तरफ से, अल्लाह के हुक्म से रूहुल कुदस लाकर पेश करते चल रहे हैं जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और यह तरीका इसीलिए इख्तियार किया गया है, एक साथ का नहीं, लियुसब्बितल्लज़ीना आमनु, ईमान की हकीकत समझ में आ जाए, ईमानी तकाज़े, तर्ज ईमानी क्या है, ईमानी ज़िंदगी क्या है, अकीदा ईमानी क्या है, इस ज़िंदगी के साथों को कैसे गुजारना है, उसके पर धीरे धीरे मजबूती के साथ वो जम जाएं, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बना दें। और ये ज़िंदगी का वह हिस्सा वह हुदन, और हर आयत हर चीज़ हर तरीक़ा इंसान को सीधे राग सीधा तरीक़ा सीधा सलीका सीधा ढंग सिखाने और रहनुमाई करने के लिए नाजिल किए हैं। और ये कलाम पाक वही करता है, इहदिन सिराते मुस्तकीम की तफसील कई तरीके से, वो बुशरा, और जो उसपे इस लाइन पे लग गया, ये फैसले तो होने वाले हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत में हिसाब किताब के बाद, ये रविश जिसके अंदर देख लो आप, तरीक़े दीन जो बताया इसके ज़रिए से इस पर जमने का, साबित ख़दम रहकर हर दुश्वारी की भी परवाह किए बग़ैर अपने आप को साबित ख़दम रखता है, तो इस दुनिया में मेरी तरफ से मैं इजाज़त देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे मुसलमानों को बशारत दे दो, अल्लाह राज़ी है, ये ज़िंदगी तुम्हारी कामयाब है, ज़िंदगी के मकसद को समझ गए, तुम्हारे लिए जन्नत है, जन्नत की नेमतें हैं, बाद वाली ज़िंदगी हमेशा राहत ही राहत वाली है, वहाँ पर कोई किस्म की ज़हमत और तकलीफ़ नहीं होगी। अब अगली आयत में आ रहा है इसी से कुछ जुड़ा हुआ, न सिर्फ इन्होंने एक एजाज दान दिया, ये घड़ी हुई बातें बाज़ अशख़ास की रहनुमाई की, एक फलां ना बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाता है, शायद उससे मुलाकात करके उससे लेके बता रहे हैं, उसकी तरदीद कैसे किस तरीके से अगली आयत में हो जाता है।